ओके जल्दी से पेन पेपर ले लो क्योंकि आज ना कुछ ऐसी स्पेशल रिएक्शंस हैं जो सीखेंगे और वो तुम्हें तो बहुत सारा हेल्प करेंगी पढ़ा तुमने भी हुआ है ऐसा नहीं है कि तुमने पहली बार पढ़ने जा रहे हो पढ़ा तुमने भी हुआ है बट कई बार ही तुम्हारे को अप्रोच समझ नहीं आती कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और हम उसमें से मार्क्स कैसे ला सकते हैं ठीक <coughs> है, है और हमसे गलतियाँ छूट जाती हैं और यूजली ऐसा होता है के क्वेश्चंस में बच्चों को लगता है कि मुझे आता है मुझे आता है एंड अल्टीमेटली दे एंड अप डूइंग अ रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि वो उसको एक्यूरेटली ना कर पाते गलत कर देता है और फिर उनके माइनस वन हो जाता है ये जो माइनस वन है ना ये लगता माइनस वन है लेकिन एक्चुअली में ये माइनस वन नहीं होता ये माइनस फाइव होता है <coughs> समझ आ रहा है गुड रितेश तो समझ आ रहा माइनस फाइव क्यों हो जाता है रीजन मीन क्योंकि हमें तो हम उस क्वेश्चन को तभी अटैम्प्ट करते हैं ना जब हमें लग रहा होता है कि यार ये मुझे आता है देन ओनली यू अटैम्प्ट अ क्वेश्चन आपने उसे अटैम्प्ट किया और आपने उसे गलत कर दिया तो माइनस वन हो गया तो माइनस वन नहीं पूरा माइनस फाइव हो गया एक क्वेश्चन जिसमें तुम नंबर स्कोर कर सकते थे वो भी चला गया तो इसकी इसकी बात को समझो हमें एक्यूरेसी पर फोकस रहना पड़ेगा ठीक है तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा तो अब वी विल स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन एंड इसकी बात करते हैं क्वेश्चन बोला गया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसमें तुम रिएक्शन कराते हो विद अमोनिया ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग ठीक है अमोनिया से रिएक्शन करते हो फिर दोबारा उसमें फिर हीट वीट कर देते हो एंड इट गिव्स यू कंपाउंड बी विच ऑन फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स कंपाउंड सी यानी कि अब मैंने इसको और हीट किया और हीट किया तो मुझे कंपाउंड सी मिल गया सी मुझे मिलने वाला है सी एट H5 फाइव फाइव मैं बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रही हूँ और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही, रही हूँ कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े कंपाउंड सी ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनॉलिक के ओ एच यानी कि सिक्वेंस में रिएक्शन करेंगे सॉरी <coughs> 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 पहले रिएक्शन करेंगे इथेनॉलिक के ओ एच से फिर रिएक्शन करेंगे एल्काइल क्लोराइड से ठीक है एंड हाइड्रोलिसिस और बाद में करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि एच टू ओ पॉजिटिव विद एल्कलाय यानी कि ओ एच की, की प्रेजेंस में एंड इट गिव्स यू अ प्राइमरी अमीन और ये आपको फिर दे देता है प्राइमरी अमीन ये क्वेश्चन है ठीक है और पूछा गया है ये ए क्या होगा सबको ये रिएक्शन समझ आई ए पे अमोनिया हीट है फिर दोबारा हीट है फिर इथेनॉलिक इथेनॉलिकच और फिर आर से रिएक्शन हो रही है और बेसिक हाइड्रोलिस हो रहा है प्राइमरी अमीन बन रहा है और ये जो सी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे तुम्हारे पास एनओ होगा ये भी क्वेश्चन हमें बता दिया है तो एक बार क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड लेके चलते हैं और मैं यहाँ पे तुम्हें इसे रिलेटिवली करके दिखाती हूँ ठीक है तो आपके पास क्या था कंपाउंड ए कंपाउंड ए में आप इसमें क्या क्या कर रहे थे देवर टू स्टेप्स पहले अमोनिया और हीट कर रहे थे ठीक है और बी बनेगा बी को फर्दर हीट करोगे तो सी बनेगा सी में कोई ग्रुप था जिसमें तुम्हारे पास एन टू था यानी कि सी एट एच फाइव एनओ टू था और फिर सी पे तुम तीन रिएक्शंस करा रहे थे पहला था इथेनोलिक के ओ एच <coughs> <coughs> दूसरा था आर और तीसरा था बेसिक हाइड्रोलिसिस तो तुम्हारे को यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स मिल रहे थे प्राइमरी अमीन मिल रहा था तो यानी कि पूछा गया है कि ए क्या होगा तो ए मैं काम करती हूँ सबसे पहला एग्जांपल मैं यही ले, ले लेती हूँ ठीक है जिसमें बेंजीन है तो लेट कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है जिसमें है बेंजीन और सी एच ओ और सी एच ओ तो अब आप स्टार्ट करो ठीक है अगर आप इस पर अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया से रिएक्ट करेगा बताओ सोचो जरा क्या ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा यहाँ पे अगर आप इसको अमोनिया से रिएक्ट कराओगे भी तो पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस इज बेंजीन एंड ये हो जाएगा सी ओ एच इस पर NH2 टू लग जाएगा और ये हो जाएगा एच यानी कि ऐसा कुछ कुछ बन जाएगा मेरे पास ओ OH और एन <coughs> ये हो जाएगा <coughs> और सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा ओ एच एन एच टू और दिस इज दी हाइड्रोजन अब कज़ब की बात ये है मैंने ये क्या किया आप लोग मेरे से पूछोगे मैम ये आपने क्या किया मैंने इस पाएबोन को तोड़ा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया मैंने बेसिकली ठीक है अमोनिया से तो अमोनिया का एन एच टू नेगेटिव यहाँ अटैक हो गया और एच पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गया ठीक है तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो बेसिकली ये करा सकता है फिर तुम इसे से हीट भीट करोगे तो पता ये वापस से तुम्हारा क्या होगा वापस से अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली ले दे के तुम फिर से यहीं के यहीं आ जाओगे यानी कि फिर से तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा तो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड से नहीं होगी तो यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यहाँ से तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी नहीं यहाँ पे एक सी एच ओ है और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है एक सी एच ओ और कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस इज सी एच ओ एंड ओ एच सो व्हाट आई बिलीव इज कि जो सी ओ ओ एच है ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है क्यों क्योंकि अमोनिया एक बेस है और बेस एसिड से रिएक्ट करेगा समझ आया तो यानी कि अमोनिया एक बेस है और वो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो लेट्स ट्राई टू डू ऑप्शन नंबर बी करने के बजाय मैं सी करती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली एंटीहाइड पे तो मैं रिएक्शन करा ही नहीं सकती हूँ तो ऑप्शन नंबर सी को कराने की कोशिश करते हैं तो हमने क्या किया बेंजीन लिया दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो देर विल बी एसिड बेस रिएक्शन दिस इज योर एसिड और दिस इज योर बेस तो अल्टीमेटली क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग दी मैकेनिज्म किस किस को आता है एस एन टू टी एच अल्टीमेटली वॉट यू विल बी डूइंग सी ओ हो जाएगा और यहाँ पे ओ एच बी प्रोटोनेटेड एंड इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप और ये बन गया अमाइड तो एसिड और अमोनिया जब रिएक्ट करते हैं तो अमाइड बनता है ना सो या दिस इज द वे हाउ वी विल बी फॉर्मिंग एन अमाइड अब मैंने अमाइड तो बना दिया नाउ द होल क्वेश्चन आई एम लुकिंग एट इट इज की मुझे बोला um, गया है दैट यू हैव टू डू तो दोनों को हटा दू मैं या एक को हटाऊ मतलब ये क्वेश्चन है मेरे सामने कि दोनों पे अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे या एक पे अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे क्योंकि अल्टीमेटली यू पीपल है अल्टीमेटली क्या करना है इसे हीट करना है अच्छा अब क्या होगा इंटरनल अटैक हो सकता है कुछ इंटरनल अटैक हो सकता है कुछ यू you नो know, मैं ऐसे भी तो करा सकती हूँ कि मैंने एक ही को कराया मैंने एक ही को सब्स्टिट्यूट कराया ये ओ OH बन गया नाउ दिस इज अ न्यूक्लियर फाइल ओके और ये न्यूक्लियर फाइल क्या करेगा ये न्यूक्लियर फाइल यहाँ पर काम्रिल कापन पर अटैक करेगा ये बॉन्ड बनेगा टूटेगा और ये तुम्हारा निकल जाएगा देर विल बी लॉस ऑफ वाटर ये गुड लिविंग ग्रुप प्रोटोनेट बन के निकल जाएगा दिस इज ऑल्सो कैन है ना है ना और ये ओ एच प्रोटोनेट किससे होगा दिस गेट प्रोटोनेटेड चलो मैं वापस स्टेप बाई स्टेप तुम्हें बताती हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे ये वाला जो ओ है ये क्या करेगा इससे एच पॉजिटिव ले लेगा ले ठीक है अगर इसने इससे एच पॉजिटिव ले लिया तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया एन एच नेगेटिव और ये तुम्हारा क्या बन गया ये प्रोटोनेट हो गया यानी कि पॉजिटिव एन एच नेगेटिव क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड टूटेगा बनेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह से निकल जाएगा तो अल्टीमेटली आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये बन सकता है हमारा जी बिल्कुल ये बन सकता है हमारा बिल्कुल अब इसने कहा कि तुम इसे इतना हीट कर रहे हो कि तुम्हारे को NO2 C8H5NO2 टू सी एट एच फाइव टू तो NO2 टू हाँ जरा देखो एनओ टू का ज़रूरी मतलब नहीं है कि NO2 टू ग्रुप ही होना चाहिए मेरे पास एक एन है बिल्कुल है दो ओ है है तो इसका मतलब ये दो ओ तो मैं कहीं से लगा नहीं रही हूँ इसका मतलब मुझे दो कार्बोनिल ग्रुप्स को लेना बहुत कंपलसरी हो गया है ना क्योंकि अगर मैं ये दो कार्बोनिल ग्रुप्स नहीं लूंगी तो मेरे पास दो ओ कैसे आएंगे राइट right. so, तो इसका मतलब मुझे दो कामल ग्रुप्स को लेने ही लेने हैं और एंड मेरा होना ही होना चाहिए और साइक्लाइजेशन होगा इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया हैज टू टू बी ग्रुप्स ठीक है और यहाँ पे मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराना है तो आई हैव टू टेक ओवर देयर ओके तो मेरा ये बन गया अब अल्टीमेटली दिस इज माई प्रोडक्ट नंबर सी ये मेरा सी हो गया आफ्टर दिस यू हैव टू टेक इथेनोले किथे NaOH KOH क्या करेगा KOH इज अ बेटर बेस ये बहुत अच्छा बेस होता है इट विल ट्राई टू पुल दी एसिडिक हाइड्रोजन इसने एसिडिक हाइड्रोजन पुल किया तो तुम्हारा क्या बन गया कौन बताएगा मुझे ये किस तरह की रिएक्शन नजर आ रही है ये बन गया O एन नेगेटिव N नेगेटिव हो गया और N नेगेटिव अब क्या करेगा रेजोनेंस में जाएगा ये ये भी तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है नाउ बाई क्वेश्चन इज अभी अगले स्टेप बोल रहे हैं कि आपको इसको से रिएक्ट कराना है यानी कि आर सी एल से रिएक्ट कराना है अगर ये सेम स्पीशीज तुम्हारा आठ सी एल से रिएक्ट करेगा तो मुझे दिख रहा है इट हैज डू दूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन और जो कि एस मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए राइट right. तो न्यूक्लियर फिले क्योंकि मेरे पास लिविंग ग्रुप है ये ये लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप भागेगा लीविंग ग्रुप भागेगा तो तब ना जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा अब ओ नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और एन नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल टेल मी वी ऑलरेडी नो कि एन नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो दिस इज योर एक तरह का ये इनोलेट बन गया और ये क्या करेगा ये वापस से बॉन्डिंग में जाएगा और नाइट्रोजन के साथ फिर ये तुम्हारा बॉन्ड बनाएगा यानी कि नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो अल्टीमेटली वॉट आई शुड डू इज ये डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ ओ हो हो जाएगा दिस इज एन तो जो substitution हो रहा है वो बेसिकली एन से हो रहा है ठीक है तो एन पे लग गया तुम्हारा एन पे लग गया तुम्हारा आर एन आर क्लोरीन निकल गया दिस इज वॉट हैज है अब हमारे पास आता है लास्ट स्टेप कि अब हम लोग क्या करेंगे है ना तो देखो नाउन द लास्ट स्टेप इट इज बीन सेड कि आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है तो वॉट यू मीन बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बॉन्ड को तोड़ना तो अगर मैं यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या लग जाएगा यहाँ पे जाएगा ए एच और यहाँ पे जाएगा ओ OH. एच है ना मैं एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ आई एम नॉट डूइंग द मेनिजम फॉर दिस ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ बॉन्ड क्लीवेज करना बता रही हूँ तो ये अमाइड लिंकेज है इस अमाइड को भी ऐसे करके तोड़ दो तो ओ एच OH यहाँ जाएगा और एच यहाँ जाएगा अल्टीमेटली देखो क्या बना आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच निकल गया और साथ ही साथ क्या बना ये एन एन पर आर लगा हुआ है और इस पे लग गए दो हाइड्रोजन यानी कि दिस इज अ प्राइमरी अमीन

थैलेमाइड सिंथेसिस यानी कि हमने एसिड्स पे अमोनिया को रिएक्ट कराया और हमने क्या बनाया अमाइड बनाया है ना और फिर अमाइड <coughs> भेजे हमने जब उसको हीट किया तो वाटर लॉस किया तो हमारा थैलामाइड बन गया थैलामाइड यानी कि हमारा थैलिक एसिड होता है ना थैलिक एसिड होता है ना थैलिक एसिड आइसोथैलिक एसिड टेरेपथैलिक एसिड तो हमारे तीन तरह के थैलिक एसिड्स होते हैं ठीक है थैलिक एसिड hmm. तो ये हमारा क्या है थैलिक एसिड है जब हमारा और्थों पे लगा होता है तो दिस इज थैलिक एसिड ठीक है अगर यही सी ओ एच हमारा यहाँ बेटा पे लगा होता तो हम इसे थैलिक एसिड बोलते हैं अगर ये पैरा पे लगा होता तो हम इसे टेरेप थैलिक एसिड बोलते हैं गेटिंग माई पॉइंट <laughs> तो हमने ये ऑर्थो वाला लिया तो उससे हमारा दिमाग चलेगा अगर आपने ये नेम पढ़ा है तो अच्छा ये थैलिक एसिड है एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके थैलामाइड बनाएगा और थैलामाइड यानी कि फिर हम क्या कर देंगे उसका एनहाइड्राइड बना देंगे तो वो हमारा हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड ठीक है तो थैलिक एनहाइड्राइड तो दिस इज नोन एज द गैब्रियल थैलोमाइड सिंथेसिस गैब्रियल गे, थैलोमाइड रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन्स ठीक है और अगर ये जो आपको चीज़ दे रखी है ना प्राइमरी अमीन इससे भी दिमाग कभी कभी क्लिक कर जाता है क्योंकि प्राइमरी अमीन बनाने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है प्राइमरी अमीन की कुछ कुछ रिएक्शंस ही होती हैं या तो कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है जो हमें प्राइमरी अमीन्स में मिलता है या फिर हमारी ये रिएक्शन हमारे को प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन देती है मैंने ये नेम रिएक्शन का पार्ट है जब हम लोग नेम रिएक्शन करेंगे तब हम लोग इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे ओके okay? मैंने इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन पे अपना यूट्यूब पर एक सेशन भी लिया हुआ है यूट्यूब पर मैंने कुछ नेम रिएक्शन के वीडियोज डाले हुए हैं तो वहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल मिलेगा आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो दिस इज दैबरियल थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन बट okay, so okay. <coughs> इस तरह की रिएक्शंस ना अगर तुम्हें थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म आता है तो भी तुम लोग इसे कर सकते हो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी क्योंकि शुरू में तुम क्या कर रहे थे एसिड बेस रिएक्शन करा रहे थे यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है है ना तो हम क्या करा रहे थे एसिड बेस रिएक्शन करा रहे थे हमने अमाइड बनाया ठीक है और अमाइड में हमने इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा के पानी को निकाल दिया और ये बना दिया फिर बेस है तो बेस तो एसिड एक हाइड्रोजन निकालेगा ही निकालेगा उसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है बेस जनरेट न्यूक्लियोफाइल्स है ना ये वाली बात भी बताई हुई है कितनी बार में रियक्शन में बताती हूँ तो क्योंकि ये बेस था तो ये न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट करेगा इसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया रिएक्शन हुई रिएक्शन होके हमने कहा अब ये सब्सिडिशन करेगा तो ऐसे डू भी कराना तुम तो लोगों को आता है तो पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल भी नया नहीं है यू ऑल नो अबाउट इट ठीक है चलो सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द अनदर क्वेश्चन तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अब करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर टू तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बताओ जरा क्वेश्चन नंबर टू में कुछ नहीं करना है इट इज सिंपल पहले डाइबल हाइड्राइड से रिएक्शन करानी है यानी कि पहली रिएक्शन होने वाली है तुम्हारी डाइबल से सबको पता है डाइबल क्या करता है और बाद में तुम इसका हाइड्रोलिस कराओगे तो दो स्टेप्स अवेलेबल है साफ साफ दे रखा है वन और टू तो पहले स्टेप में डाइबल का रिएक्शन कराओ सिर्फ और सिर्फ फिर एच का रिएक्शन कराओ क्या डाइबल इसको रिड्यूस करेगा या डायबल इसको रिड्यूस करेगा थोड़ा सोचो और बताओ डायबल किसको रिड्यूस करेगा डाइबल हाइड्राइड का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा या डाइबल आपके पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा ये मिस्टेक थी क्वेश्चन में सीएन दे रखा है अब रिएक्शन करो क्या प्रोडक्ट बनेगा यू नो डाइबल ना हमेशा पार्शियल रिडक्शन करता है कभी कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता पार्शियल रिडक्शन करता है ओके okay? और डाइबल एल्कीस और एल्काइंस को तो कभी भी रिड्यूस नहीं करता एल्किन्स और एल्काइंस को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट भी रिड्यूस नहीं कर पाते तो ये बेचारा क्या चीज़ है ठीक है बाकी ये बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है बट पार्शियली रिड्यूस करता है ये बात समझ आई बी आंसर होगा नहीं अब मेरे साथ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा ओके okay, तो हेयर अस टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन साइक्लोपेंटीन है फिर सी एच टू सी एच टू सी एन और सी एच टू सी ओ टी तो यानी कि साइक्लोपेंटीन है और इसके इधर बॉन्ड बन रहे यानी कि इधर है सी एच टू सी एच टू सी एन और यहाँ पे दे रखा है सी एच टू सी ओ टी e, मेरी बात ध्यान से समझना अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डाइबल का तो जब आप डाइबल से रिएक्शन कराओगे तो पहली बात यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी ठीक है रिएक्शन होगी आपकी रिएक्शन होगी आपकी यहाँ पे इस वाले ग्रुप पे इस वाले ग्रुप पे जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या करेगी यानी कि बॉन्ड एज इट इज रहेगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और ये हो जाएगा पार्शियल रिडक्शन जब तुम इसका कराओगे तो ये हो जाएगा C C पर तुम्हारा H लगेगा हुँ? H डबल बॉन्ड N और H लगेगा ठीक है ये आपका लग गया ये आपका पार्शियल रिडक्शन हो गया ठीक है इस तरह से हो गया अभी भी क्या होता है अभी भी दिस इज़ नॉट डन क्योंकि उसने बोला हुआ सेकेंड स्टेप में से इट इज़ बीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस दो स्टेप्स है ना यानी कि हाइड्रोलिसिस से फॉलोड भी है तो अब ये क्या होता है हेयर वी विल बी ब्रेकिंग वन और हम इसका हाइड्रोलिस कराएंगे तो हाइड्रोलिस कराते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जाता है एक एच इधर पे और एक ओ एच इधर पे एंड दोबारा से एक एच इधर पे और एक ओ एच इधर पे यानी कि दोनों के दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो अल्टीमेटली होता क्या है तुम्हारा ये कंप्लीटली रिड्यूस होके तुम्हें देता है सी एच टू सी एच टू सी सी पर तुम्हारा एक ऑलरेडी एच था तो एक बॉन्ड टूटा तो OH एच लगा एक और बॉन्ड टूटा तो OH एच लगा और अल्टीमेटली ये बन गया तुम्हारा अमोनिया दैट इज NH3, और ये जो दो OH एच ग्रुप से ये क्या करेंगे वाटर एलिमिनेट कर देंगे तो अल्टीमेटली इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा तुम्हारा दैट इज सी एच टू सी एच टू और C डबल पॉट O और H तो यानी कि तुमने कई जगह देखा होगा कि डाइबल से हम लोग सीधे सीधे एल्टीहाइड बनाते हैं सो वेन एवर देर विल बी डाइबल फॉलोड द एसिडिक बाय्रोलिस ओके यू हैव टू डू दिस है ना तो पहले आपने इसमें रिडक्शन कराया ये बेसिकली एक हाइड्राइड का मैकेजम फॉलो करता है और फिर ये रिएक्शन होती है अब सिमिलरली हम इधर वा, इस वाले पार्ट को देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है सी एच टू सी ओ ओ ओ टी जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो डाइवल से जब रिडक्शन कराते हैं तो वो कार्बनल को एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है यानी कि सी एच टू सी और इसको दे देगा ओ एच एंड दिस इज योर ओ एंड दिस इज योर ई टी ये तुम्हारा बन गया ठीक है दिस इज वॉट यू यू विल बी गेटिंग तो तुम्हारा टू डिग्री एल्कोहल बन गया लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था एज वेल तो अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा तो यहां पे जाएगा एच यहाँ पे जाएगा ओ एच ठीक है मैं बहुत सिंपल तरीके से इस बॉन्ड को क्लीव करना बता रही हूं तो अल्टीमेटली ये हो गया सी एच टू यू विल बी हैविंग पे OH अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा यहाँ पे एक और ओ OH मिल जाएगा प्लस गेटिंग अ इथेनॉल आपका इथेनॉल अलग चला गया अगेन यू नो दैट दिस इज जेमिनल डायोल एक ही कार्बन पे दो आर OH नॉट स्टेबल तो तुम क्या करोगे वाटर को एलिमिनेट कर दोगे तो वाटर को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे भी एल्टीहाइड मिलेगा आया सबको समझ में आया सबको समझ में तो कई बार हम लोगों ने ये रिएक्शन की है कि जब भी हमारे पास सी एन होता है तो सी एन से एल डी हाइड बनता है साइनाइड से एल डी हाइड बनता है राइट और ये भी हमने कई बार ही रिएक्शन की होगी कि जब भी हमारे पास कोई काबनल ग्रुप होता है तो वो एल्कोहल बनाता है अब एल्कोहल में तुम तो इसको हाइड्रोलिस भी तो कर रहे हो तो जब हाइड्रोलिस करोगे तो फिर ये एल डी हाइड हो जाएगा मैं अगला सेशन आइसोमिजम पे शेड्यूल करती हूँ तो ये समझ आ गया यानी कि दोनों ही साइड मेरा एल्डिहाइड एल्डिहाइड आ रहा है ओके okay, ये तो नहीं आ रहा है ये तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ये भी नहीं आ रहा है है ना ये भी नहीं बनेगा हमारा साइनाइड से एसिड्स ओके okay. साइनाइड से क्योंकि पार्शियली रिड्यूस करते हैं तो इसे एल्टीहाइट बनाना चाहिए था ये बनाना चाहिए था बट ये रहेगा क्या नहीं तो हम इसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे कि एस्टर तो डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस से भी खत्म ही हो जाना ये तो हो ही नहीं सकता और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें एल्टीहाइट मिलता है ना कि ये कार्बो ऑक्सिली एसिड मिलता है सो अल्टीमेटली आंसर हैजी ऑप्शन नंबर with the another question that is the question number थ्री Guys, ये question क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि आपके पास है आई टू और फिर आप उसका रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए एच सी ओ थ्री तो पहले मुझे ये बताओ कि आई टू क्या करेगा मतलब व्हाट इज दिस आई टू डू और ये एन ए एच सी ओ थ्री इज अ बेस बेसिकली एन ए एच सी ओ थ्री अगर आप ध्यान से देखो तो सारा खेल एन एच सी ओ थ्री का है वेरी गुड क्वेश्चन अब इस तरह के क्वेश्चंस ना वही बच्चे कर पाते हैं जेई में जो कंसेपचुअली चलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो रट रहा है उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा दिस इज एब्सोल्युटली अ रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ओके सो विल यू ट्राई टू गिव अ चांस अपने आप को एक बारी ट्राई दोगे कि कैसे किया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट ये 28 जुलाई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा <laughs> आईडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एच सी ओ थ्री तो आईडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एच सी ओ थ्री सो एज आई जस्ट सेड कि एच सी ओ थ्री इज एन ए पॉजिटिव एंड एच सी ओ थ्री नेगेटिव सो दिस इज अ बेस ये बेस है यू नो बेस की टेंडेंसी होती है एसिडिक हाइड्रोजन को खोजना है ना तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को खोजेगा और इसे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा मुझे तो नजर आ यार ये एसिडिक ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये कहेगा यार तुम मेरे पास आ जाओ बन जाओ एच टू सी ओ थ्री और हम दोनों एच टू सी ओ थ्री बन के निकल जाएंगे बिल्कुल ये हो जाएगा और तुम्हारे को मिल जाएगा दिस ओ Na पॉजिटिव बन गया ये सॉल्ट बिल्कुल <coughs> अब आप क्या करोगे अब ये ये ओ नेगेटिव क्या आईडी से रिएक्ट करेगा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आईडी से रिएक्ट करेगा थोड़ा सोचो ये क्या करेगा क्या हम आई टू का एडिशन करा दें? आई टू क्या करता है एट द सेम टाइम आई टू क्या कर सकता है थोड़ा फिगर आउट करो तो हेलोजन क्या कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेजम दे सकते हैं क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये कहीं पे अटैक ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कोई डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए डेफिशिएंट सेंटर तो कहीं पे भी, भी नहीं है तो देखो अब हम क्या करेंगे हम आई टू से रिएक्शन कराएंगे मतलब साथ की साथ ही हो जाएगी आई टू से रिएक्शन मुझे अगले स्टेप में कराने की ज़रूरत नहीं है मैं यहीं पर करा दूंगी तो बेसिकली वॉट आई विल डू इज़ मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी मैं इस पाई पाइबोर्न को तोड़ूंगी और तुम सबको पता है जब भी हमारे पास जाएजेंस है, होते हैं तो यू कैन डू दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है इस तरह से ब्रिज बना लेगा का और तुम्हारा आई नेगेटिव निकल जाएगा एंड आईटिव बाई दी एच टू सीओ थ्री एच टू सीओ थ्री क्या करेगा इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो इसको पानी ने घेर लिया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो हो गई कब ओके इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो हो गई कब तो आप कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा ये क्वेश्चन है मेरा विच न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आई है जो बीच में लगा हुआ है और नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्ट करेगा ये तो कर ही नहीं पाएगा बिकॉज दिस इज बीन सॉल्वेटेड बाय दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट ये जो एच टू सी ओ थ्री निकला है ना इसके साथ ये क्या करेगा सॉल्वेट कर जाएगा तो ये तो नहीं रिएक्ट कर सकता तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हमारा वर्क करेगा अब क्वेश्चन आता है कि अटैक कहाँ से कराओगे अटैक कहाँ से कराओगे तो देखो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव आई बेटर फॉर्म ऑफ फाइव मेंबर रिंग मैं तो प्रेफर करूंगी कि ये जो है रिंग फॉर्म करे अच्छा खासा मतलब राधर देन फॉलोइंग दी माकोनिक रूल मुझे रिंग का ध्यान देना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली रिंग बन रही है और जरा ऑप्शन देखो ऑप्शन में भी रिंग बन रही है तो सभी ऑप्शन में रिंग बन रही है तो मेरे को लगता है कि मुझे रिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है ना और आई नेगेटिव तो मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया तो आई विल डू दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिड्यूशन रिएक्शन कंसिडरिंग ना कि मैं माकुनी को, को रूल फॉलो करूंगी मैं ये ध्यान दूंगी कि मेरा जो रिंग है वो कैसे स्टेबल बनेगा ओके okay? क्योंकि अगर मैंने यहाँ बनाया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ फोर मेंबर रिंग जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा तो मैं प्रेफर करूँगी फाइव मेंबर रिंग बनाना ठीक है दिस इज गोइंग टू बी माय फिफ्थ एटम तो मैंने रिएक्शन कराया ऐसे दिस इज डबल बॉन्ड ओ दिस इज ओ और ये बॉन्ड बन गया ऐसे ठीक है और जब ये बॉन्ड ऐसे बनेगा तो अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो कि ये तुम्हारा आईडी ऐसे टूट जाएगा टूट जाएगा ना जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी था जो कि न्यूट्रलाइज हो गया तो यानी कि यहाँ पे चला गया तुम्हारा आई ये हो गया नाउ आई एम हैप्पी विथ माई आंसर मुझे समझ में आ गया कि मैंने आई की भी रिएक्शन करा दी यानी कि <coughs> <coughs> इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो किया है और सोडियम बाइकार्बोनेट ने इसको सॉल्ट बनाया एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है अब अगला स्टेप आपको क्या दे रखा है कि आप प्रोटीन की प्रेजेंस में से हीट करो अब देखो ये प्रोटीन क्या है प्रोटीन प्रिडीन होता है हमारा अगेना बेस प्रिडीन होता है बेस और इसको करना है और फिर आपको हीट करना है तो जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो यानी कि प्रिडीन क्या करेगा प्रिडीन अगेन विल लुक फॉर एसिडिक हाइड्रोजन अब मेरा ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये प्रिडीन जाएगा कहेगा इस हाइड्रोजन को मुझे दे दो और जब ये हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा तो फिर ये क्या होगा नेगेटिव और ये क्या है आयडीन अब ये क्या बना दिस इज अ कंजुगेट बेस स्टेबल कंजुगेट बेस और जब स्टेबल कंजुगेट बेस बन रहे हैं और अगले स्टेप पे क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और आयडीन एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा विच मैकेनिज्म इज दिस कौन बता रहा है मुझे जल्दी से बताओ व्हिच मैकेनिज्म इज दिस दिस इज दी E1 वन सी बी मेकेनिज्म ये यही तो है कि हम लोग एलिमिनेशन कर रहे हैं I का और H का है ना इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस तो बेस क्या कर रहे हैं और बेस की प्रेजेंस में एक स्टेबल कॉन्जुकेट बेस बन रहा है जो कि स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन आइटम यहाँ इसके साथ रेजोडेंसेज स्टेबल है राइट सो दिस इज अ स्टेबल कॉन्जुकेट बेस जो बन रहा है और अल्टीमेटली मेरा आई निकल जा रहा है तो आई हैव डन द मेकेजम मतलब वही सबको पता है कि एच आई एलिमिनेट होगा और यहाँ पर बनेगा मेरे पास एल्फाबीटा अनसेचुरेटेड ठीक है यानी कि अल्फा बीटा अनसैचूरेटेड एस्टर तो योर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर सी इज इट क्लियर तो कई बार ऐसे ऑप्शंस ना मतलब तुम लोग गैस भी कर सकते हो और वो भी बहुत ही इजीली गैस कर सकते हो कैसे गैस करोगे क्योंकि जब भी हमारे पास कोई कार्बनल ग्रुप का और ये पाइपॉन जब कॉन्जिगेशन पे जा रहा होता है तो दैट इज़ दी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और मेजर मेजर तुमसे पूछा है तो मेजर मतलब मोर स्टेबल ही तुम्हें बताना है है ना तो वो मोर स्टेबल यही होगा जबकि ये वाला पाई बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में नहीं है ये भी ये तो है ही नहीं है कोई मतलब ही नहीं है ये भी नहीं है ठीक है तो भी तुम गेस भी करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा बट उसके लिए पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इज इट क्लियर अतुल अतुल इवन सी भी नहीं पता दैट इज एलिमिनेशन फॉलोड बायजुगेट बेस एज एन इंटरमीडिएट ओके दिस इज़ द इवन सी वी मेकेज़म लेकिन इसमें तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस एक स्टेबल बेस होना चाहिए ओके सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार थे बहुत ही शानदार थे और टोटली रिएक्शन मेकेानिज़म बेस्ड थे पहला वाला रिएक्शन में गैब्रियल थेलोमाइड ज़रूर हो रहा था लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली अ मेकेानिज्म बेस्ड रिएक्शन तो अगर तुम लोगों को मेकेानिज़म आता है तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को अपना ट्राई दो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो ठीक है बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे एंड ये भी तुम्हारे जेई के क्वेश्चन हैं जो कि अट्ठाईस जुलाई दो हजार बाईस को आया था सो विद दिस गाइड थैंक यू सो मच आई बिलीव यू गॉट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर सी अगर तुम्हें मजा आया क्वेश्चन को करने में सीखने में तो जल्दी से, से सेशन को लाइक कर दो और डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब और चैनल क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि हर रोज़ तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे ऑर्गेनिक के तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे ठीक है और तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका आता रहे कि यार क्वेश्चन को पकड़ना कैसे होता है कैसे सीखना होता है कैसे दिमाग मेरा चलेगा तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो एंड यू नीड टू सब्सक्राइब टू अर चैनल ताकि तुम रेगुलर में एक रिएक्शन जब तक वीडियो नहीं देखोगे ना तुम्हारा काम नहीं चलेगा कुछ बच्चे जो लिटरली ऐसे करते हैं ना मतलब लाइक घूमते फिरते आ गए थोड़ा बहुत देखा पाँच दस मिनट तो कुछ नहीं होता आप ना उनका मोटो पढ़ना नहीं है उनका मोटो है सिर्फ अ, अ, देखना कि कहाँ क्या चल रहा है ठीक है लेकिन अगर तुम्हारा मोटो क्लियर है यार मुझे कुछ सीखना है मुझे पढ़ना है सो यार दिस इज चैनल जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है कुछ और नहीं होता सो गिव योर हंड्रेड परसेंट टू दिस एंड सब्सक्राइब टू इट एंड जस्ट गो अहेड और कोई भी बात है कोई भी अपना फीडबैक है कुछ सजेशन है कुछ कोई रिस्पॉन्ड करना है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना आफ्टर द वीडियो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर योर कॉमेंट्स ठीक है एंड uh, जैसे कि मुझे बच्चों ने बताया कि मैम आइसोमारिज्म तो डेफिनेटली मैं अगला सेशन आ, कल हम लोग अमींस करेंगे अमींस के बाद अगला सेशन मैं आइसोमारिजम पर ही लेकर आऊँगी आज के क्वेश्चंस बहुत कम है ओनली थ्री क्वेश्चंस आते हैं आज जो मेरे रेगुलर के सेशंस में हमेशा नौ दस नौ दस पंद्रह क्वेश्चंस भी रहता है बट आज के लिए इतना ही ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में कल वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ अमीज अमीज को टारगेट करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अमीन जेई में बहुत पूछा जाता है और अलोंग विद दिस अगला टॉपिक मैं तुम्हारे लिए आइसोमेरिज्म लेकर आऊँगी एज़ पर योर डिमांड ठीक है थैंक यू बाय टेक केयर गाइज